अगर आप वन प्लस के यूजर हैं या फिर वन प्लस 9 प्रो या फिर 9 सीरीज यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज एक अपडेट लाया हूँ, मतलब अपडेट करके बताऊंगा आज के वीडियो में एंड्रॉयड 13 में और ऑक्सीजन ओएस 13 में। तो पहले 12 था, अभी 13 हो गया है, मतलब 13 रोल आउट कर दिया है कंपनी वालों ने, तो वही मैं अपडेट करके बताऊंगा। और ये मेरे पास है वन प्लस का 9 प्रो, बहुत सारी नई नई फीचर आई है और जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस वीडियो में जस्ट मैं अपडेट करके बताऊंगा कैसे अपडेट करना है, क्योंकि ये जो है ना बीटा वर्जन है, अभी तक स्टेबल वर्जन अपडेट आया नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में शो नहीं करेगा। और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कहाँ से रोम डाउनलोड करना है और कैसे अपडेट करना है, सारा कुछ बताया हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से आप अपडेट कर पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूजटेक में, मेरा नाम मुकेश और आज के वीडियो को ना बहुत पसंद आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और ऐसी आपके लिए वीडियो लाता रहूं। वन प्लस का फोन या फिर वन प्लस 9 सीरीज का फोन या फिर 8 या फिर 10 अगर आपको अपडेट करना है, तो जिसका भी अगर स्टेबल वर्जन निकला होगा तो वो स्टेबल वर्जन से इसी प्रोसेस से आप अपडेट कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिक आपको अपडेट दे देगा। बट मेरे यहाँ पे 9 प्रो के लिए कोई अपडेट का ऐसा स्टेबल वर्जन नहीं आया है, बीटा वर्जन निकला है, तो और 9 में भी बीटा वर्जन निकला है। अब यहाँ पे यही मैं आज को बताने वाला हूँ कैसे अपडेट करेंगे बीटा वर्जन। स्टेबल वर्जन तो ऑटोमेटिक आ जाता है, बट हमें बीटा वर्जन अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ओएस की जरूरत है, तो ओएस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करना है बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको वन प्लस का जो ऑफिशियल कम्युनिटी है वहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे कि हमें देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन ओएस 13 बीटा ओपन बीटा फॉर द वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो 20 सितंबर को निकला था और मुझे 2 दिन पहले मैं देख रहा था, तो फिर वहाँ से पता चला, फिर मैं अपडेट किया हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, फोटो में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 13 है। अब यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन ओएस 13 जो है एंड्रॉयड 13 पे आता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि ये एंड्रॉयड 13 पे है और यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मतलब आपका अगर 9 प्रो है ना तो ऑलरेडी आपको आपका जो वर्जन है 12 का जो वर्जन है C63 होना चाहिए, उसके बाद आप अपडेट कर पाओगे। उसके बाद और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जैसे कि क्या नया है इसमें, क्या क्या अपडेट हुआ है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या अच्छा क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है बीटा वर्जन को वो भी दिया गया है। सबसे पहले तो हमको एक रोम डाउनलोड करना पड़ेगा जो जीप फाइल में आएगा, उसे मुझे अपडेट में जाके सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना है जस्ट। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ बोला गया है कि आपको बैकअप भी लेना पड़ेगा, अगर बाय चांस अगर कुछ भी होता है, मतलब डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो फिर बैकअप के थ्रू आप रिस्टोर कर पाओगे। और यहाँ पे आपको रोलिंग बैकअप भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी क्रैश वगैरह होता है तो रोलिंग बैक कैसे कर लेना है बैकअप के थ्रू, तो वो भी लिखा हुआ है, तो वो अच्छे से पढ़ के उसके बाद अपने रिस्क पे करना है ये बीटा वर्जन। क्योंकि अब कहाँ पे रोल बैक करना है वो भी दिया गया है, उसका लिंक डायरेक्ट कम्युनिटी में दे दिया गया है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हाँ बीटा वर्जन इंस्टॉल कैसे करना है, बट यहाँ पे लिंक नहीं है, और लिंक कहाँ से लिंक मिलेगा आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कि बीटा 1 निकला है, अभी बीटा 2 निकला है, क्योंकि बीटा 1 में कुछ बग्स है जिसके कारण ये इन लोगों ने लिंक हटा दिया यहाँ से डाउनलोड लिंक, तो वो आप बाहर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। बीटा 2 जो है मिडिल ऑफ अक्टूबर में निकलने वाला है, तो आप वहां से उस वक्त अभी अपडेट कर सकते हो या फिर अभी भी अपडेट कर सकते हो कहीं और लिंक से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना पड़ेगा, गूगल में सर्च करना होगा ऑक्सीजन ओएस 13 फॉर वन प्लस 9 प्रो डाउनलोड, मतलब आपका अगर दूसरा डिवाइस है तो उसके लिए भी कर सकते हो। अगर ये भी अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, देखिए rprna.com ये बोल के है, तो
बहुत सारे लिंक अदर भी मिल जाएंगे। यहाँ से अगर देखोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक, जैसे कि यहाँ पे वन प्लस 10 प्रो का, वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो का, वन प्लस 8T, 8 प्रो, 8 और वन प्लस 9R का, 10R का और वन प्लस 10T का। तो ये सारे का जो है बीटा वर्जन निकल चुका है। तो मेरे पास है वन प्लस 9 प्रो, तो इस पे जो लिंक है यहाँ इंडिया के लिए है, तो जस्ट इंडिया पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और 4.5 GB का है डाउनलोड, जितना भी समय में वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, तो कितना समय में आपका डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है कि इसे आपको एक फाइल में रख लेना है, मतलब कि इंटरनल स्टोरेज है वहां पे रख लेना है, फोन की इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है। इंटरनल स्टोरेज में रखने के बाद आपको जस्ट कुछ भी नहीं जाना है, सब उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे आपको .jar .jar बोल के ये जो आपका डाउनलोड होगा OS, ये फाइल का नाम जो है .jar बोल के होगा, तो पहले .jar को हटा देना है, उसके बाद .zip तक रख देना है, तो ये zip फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे इंटरनल स्टोरेज में रखिए। इसके बाद जाना है आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाने के बाद अपडेट होगा, उस पर अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी अपडेट आया हुआ नहीं है, और राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ लोकल इंस्टॉल में होगा, तो लोकल इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंटरनल स्टोरेज में जो आप OS रखे थे उस पर सिलेक्ट कर लेना है, और उस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने से पहले आपको शो कर देगा कि ऑक्सीजन OS 13 और एंड्रॉयड 13। अब यहाँ पे कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिएगा। 100% एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मांगेगा, वेरीफाई ऑटोमेटिक होगा, और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। वेरीफाई करके आपका फोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होने के बाद मतलब कि रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा कुछ समय लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यू इंस्टॉल होता रहेगा, और इंस्टॉल होने के बाद आपका जो है एंड्रॉयड 13 में इंस्टॉल हो जाएगा। ज्यादा समय लगता नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट होने में समय लगता है, और ऑक्सीजन OS 13 का मजा ले पाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ फीचर की बात बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन OS 13 में ऊपर से अगर नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है लुक, जो आपका स्टेटस बार है वहाँ का लुक जो है चेंज हो जाता है, और यहाँ पे अगर राइट साइड के ऊपर की तरफ से अगर स्वाइप करते हैं ना तो एक आपको स्लाइडर मिल जाता है जहाँ से आप शॉर्टकट कुछ एप्स को रख सकते हैं और यूज कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आपका कोई फोल्डर है तो फोल्डर है उसमें बहुत सारे ऐप है, तो फिर फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इनलार्ज फोल्डर कर दोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर को ही डायरेक्ट यूज कर पाओगे, फोल्डर ओपन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसमें से ऐप यूज कर पाओगे। ऐसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बहुत सारे ऐप है और जो आपको बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि नया नया फीचर आया है, जैसे कि आइकन चेंज कर सकते हो, आइकन का लुक अपने अनुसार चेंज कर सको, कस्टमाइज बहुत आ गया है। तो इसके बाद वाले वीडियोस में आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या फीचर आया है, सब कुछ आगे के फीचर से कंपेयर कर आपको बता दूंगा। कैसे अपडेट करना है आप लोगों ने देखा ये वीडियो, और ये आपको एंड्रॉयड 13 का अपडेट जो कुछ फीचर बताया है वो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद का वाला वीडियो चाहिए कि नहीं यही बता सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक वीडियोस हो गया कि फोन के ऊपर, स्मार्ट वॉच के ऊपर, कैमरा के ऊपर, आशा करता हूं बहुत पसंद आएगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों तक पहुंचती रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।